नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को शेयर किया है मेरे आंटी ने। ये जो घटना है ये उनके मैके में घटित हुई है। आंटी बताती हैं कि उनके गांव में एक दुल्हन आई थी नई नवेली शादी करके। जो दुल्हन थी वो सबसे छुपके रहती थी। जो दुल्हन के सास थे वो कभी किसी के सामने अपनी बहू को होने ही नहीं देती थी। मर्द लोग तो अलग है, औरतों के सामने भी नहीं होने देती थी। वो बोलती थी कि तुमको घर में रहना है, घर का काम करना है, जो मैं बोलूँ वो करना है। यहाँ तक कि जो नई वाली दुल्हन थी उसको सुसु पोटी वगैरह भी आ जाए तो उसको इजाज़त नहीं था कि बाहर वो जाए। सास जो थी वो शाम के करीब मतलब 7-8 बजे पूरा अंधेरा हो जाने के बाद लेके जाती थी बहू को और सुबह में लेके जाती थी कि ताकि कोई देखे नहीं। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दुल्हन का हो गया पेट खराब। अब दुल्हन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और जो बाहर बैठी है सासू माँ वो तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। अब दुल्हन बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने सास को बोला कि ऐसा ऐसा है तो सास ने बहुत गाली दिया दुल्हन को। उसने बोला कि तुम्हारा लक्षण ही ऐसा है, तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमको मर्दों को देखने का मन कर रहा है, तुमको बाहर निकलने का मन कर रहा है तो तुम नाटक कर रही हो। मतलब दुल्हन को बहुत बुरा भला वगैरह बोला। दुल्हन चुपचाप रोती रही, उसको समझ नहीं आया करे तो करे कि अब बस वो कंट्रोल किए जा रही थी। वो भी सोच रही थी कि इवनिंग होगा तो फिर मैं बाहर जाऊंगी पोटी के लिए। फिर इवनिंग हुआ और सास ने गाली देते हुए पूरे रास्ते भर गाली देते हुए बहू को लेके गई खेत में। फिर उधर उसको बाथरूम करा के घर पे लेके आई। घर पे लाने के बाद भी बहुत बोली। अब ये जो दुल्हन है इसने अपने पति को फोन करके बोल दिया। ये जो घटना है हाल फिलहाल का ही है, मतलब फोन उस समय चल रहा था। तो उसने अपने पति को बोला कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो पति ने बोला कि ठीक है हम घर पे बाथरूम बना देंगे। अब इधर सासू माँ ने ठान लिया कि नहीं घर पे बाथरूम नहीं बनेगा। कैसे घर पे बाथरूम बनेगा, किचन भी घर में ही रहेगा और आंगन में ही बाथरूम बनेगा, ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, मेरे मर जाने के बाद से तुम लोग बाथरूम बनाना चाहे जो मर्जी बनाना, मेरे जीते जी बाथरूम नहीं बनेगा। दोस्तों लड़का जो था उसने अपनी माँ की बात मानी और बोला अपनी वाइफ को, जो दुल्हन थी उसका नाम शीला था, शीला को बोला कि शीला देखो माँ नहीं चाहती तो नहीं बनेगा, एक काम करो तुम थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करो, कम खाया करो ना, ज़्यादा खा रहे हो तो तुम्हारा पेट खराब हो जा रहा है, एक काम करो तुम कम खाओ और जब जब माँ लेके जा रही है तब तक तुम जाओ बाहर। तो उसने बोला कि ठीक है। अब वो करे तो करे क्या, वो ऐसे घर में पड़ी गई थी, वो खुद को ही कोस रही थी कि हे भगवान मेरी किस्मत में यही लिखा था क्या। इसी बीच शीला प्रेग्नेंट हो गई और जब सासू माँ को पता चला कि बहू रानी प्रेग्नेंट है तो खुश हो गई कि मेरे घर का दीपक जलेगा अब। वो मतलब सब कुछ सही चल रहा था, थोड़ी बहुत सास के नखरे कम हो गए थे। वो सोचती थी कि अभी तो घर पर बच्चा देने वाली है तो क्यों इतना सताऊँ मैं इसको। लेकिन फिर भी काम धंधा में सासू माँ का हाथ नहीं बटता था। वो हमेशा बोलती थी कि तुम दुनिया में इकलौती तो बहू नहीं हो, पूरी दुनिया की औरतें काम करती हैं, वो भी पूरा पेट का बच्चा लेके, मतलब 8-9 महीने तक वो काम करती हैं। तुम सोना क्यों चाहती हो, तुम आराम करना क्यों चाहती हो। लेकिन जो सासू माँ थी वो शीला की सिचुएशन समझ नहीं रही थी। शीला का बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब था और बोलती थी कि मैंने खुद 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, एक लड़का 2 लड़की है, मैंने कैसे कर लिया, मैंने भी तो काम करके किया, तुमको भी करना पड़ेगा। वो शीला से बहुत ही ज़्यादा काम करवाती थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीते, 6-7 महीने का बेबी हो गया था पेट में। तो एक दिन की बात है शीला को पोटी लगी इवनिंग के समय में, तो उसने सास को बोला कि माँ चलते हैं प्रेशर आया है। तो सास ने बोला कि ठीक है चलो, और ये लेके चली गई 8-9 बजे के आसपास रात में। उसके बाद शीला घर पे लौट के ये सोने गई। फिर उसको 2 घंटे बाद महसूस हुआ कि मुझे फिर से पोटी लगी है। तो शीला ने बोला कि माँ फिर से लगी है, तो सास मतलब गाली देते हुए लेके गई। उसके 2-3 घंटे बाद फिर शीला को महसूस हुआ कि मुझे बाथरूम जाना है, और ये शीला के साथ क्यों हो रहा था बार बार शीला को पता नहीं चल रहा था। तो उसको लगा कि होता होगा प्रेगनेंसी में ऐसा, तो अभी वो डर रही थी कि 2 बार तो मैंने ऑलरेडी सास को जगाया है, इस बार जगाऊंगी ना तो सास मुझे मार डालेगी। तो शीला को समझ नहीं आया, रात के 12:30-1 के आसपास हो रहा था। तो शीला ने सोचा कि काम करती हूँ मैं, घर के बगल वाले खेत में चली जाती हूँ, इस समय कौन जगेगा कौन देखेगा मुझे, मैं धीरे से जाती हूँ, चुपके से जाती हूँ और चुपके से आ जाऊँ, किसी को बताऊंगी नहीं। तो उसने ना किवाड़, मतलब गाँव में ना किवाड़ बोलते हैं गेट को, तो उसने खोला और धीरे से गई पोटी और उधर से पोटी करके आई, चुपचाप किवाड़ बंद कर दिया। उसके बाद शीला सो गई। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए थे और शीला उठी नहीं, जबकि शीला 4 बजे सुबह में उठ जाती थी। इधर सासू माँ का पारा गरम, उन्होंने बोला कि इतनी लेट तक सो रही है,
क्या हो गया इसको, गाली तो उतना ही दिए जा रही थी कि एकदम बिगड़ैल हो गई है, इसको आज़ादी मिल गया है, ये वे मतलब बहुत गाली दे रही थी और ऐसे गेट बार बार पीट रही थी। शीला को हल्की हल्की आवाजें आ रही थी कान में, कोई दरवाजा बजा रहा है, कोई उसको बुला रहा है। फिर सास का वही चीज था, वो बोल रही थी कि तुम नहीं खोलो गेट तो मैं मर्दों को बुला के गेट तोड़वा दूंगी, आखिर तुम कर क्या रही हो अंदर, गेट खोलो गेट खोलो, इतना लेट तक कौन सोता है, तुम्हारे घर भेज दूंगी मैं, ये करूंगी वो करूंगी, सास का टॉर्चर आप समझ ही सकते हो। फिर शीला ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, जैसे ही शीला उठने की कोशिश की और बैठी, उसने देखा मतलब सामने जो सीन था उसकी हालत खराब, उसने देखा कि पूरा ब्लड ब्लड हो गया है बेड, और उसके पेट में मतलब कुछ भी नहीं रहा, पेट पूरा अंदर चला गया है और पूरा ब्लड ब्लड फैला है। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, वो इतनी डर के लगी, रोने लगी, चिल्लाने, और ऐसा भी नहीं कि खड़ा होकर मतलब वो करे, गेट खोले। फिर इधर सास थक हार के गाँव के दो चार लोगों को बुलाई और गेट तोड़वा दी। जब गेट टूटा ना तो जो सास थी उसने देखा अंदर का सीन, वो भी चुप। शीला तो इधर सर पीट पीट के रो रही थी और गांव के जो लोग थे ना उन लोगों ने शीला को लादा गाड़ी में और लेके हॉस्पिटल गए। जब ये सारे लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने देखा है तो बोला कि मिस कैरेज हो क्या है, और रीजन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर शीला की जो सास थी चुप थी, घर आने के बाद से उसने अपनी बहू को मारा नहीं लेकिन कुछ भी छोड़ा नहीं, इतनी गाली दे के मतलब भर दिया। फिर शीला एकदम निराश चुपचाप थी, तो ऑलरेडी उसने बच्चा खो दिया था। उसका पति जब ये सुना तो घर पे आया और एक दो महीने घर पे रहा, फिर कमाने गया। फिर उसका पति दोबारा घर पे आया तो फिर से शीला प्रेग्नेंट हो गई। अभी जब इस बार शीला प्रेग्नेंट हुई थी तो उसका जो बेबी था 2 महीने का पेट में हो गया था। उसके बाद फिर रात में शीला सोई और अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि फिर से सेम वही चीज रिपीट हो गया है, मतलब पूरा ब्लड ब्लड हो गया था बेड पे। उसको समझ नहीं आया, लगी चिल्लाने, सासू माँ को लगी बुलाने, ऐसे छाती पीटने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर भी उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको फिर से हॉस्पिटल लेके भागा गया। यहाँ पर शीला के सास ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों हो जा रहा है बार बार, तो डॉक्टर ने कुछ रीजन देके सासू माँ को भेज दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम कीजिए, आप लोग 5-6 महीने रुक जाइए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। फिर शीला के पति घर पे आया, उसको थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लाया और अपनी पत्नी को बोला कि तुम खाओ पियो स्वस्थ हो जाओ, कोई बात नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो लड़के ने समझाया उमझाया, उसके बाद वो फिर कमाने चला गया। इधर डॉक्टर ने बोला था कि 5-6 महीने का गैप लेने के लिए, तो इन लोगों ने अभी कुछ प्लान नहीं किया था। फिर शीला का पति 6-7 महीने बाद रिटर्न आया घर पे, तो इन लोगों ने प्लान किया कि डॉक्टर ने जैसा बोला था मेडिसिन वगैरह खाना प्लान करना। फिर बेबी रुका, इस बार जो बेबी रुका था ना वो 1.5 महीने तक गया, मतलब 1.5 महीना तक बचा, उसके बाद फिर खराब हो गया, मतलब फिर वही चीज रिपीट हो गई। फिर लोगों ने डॉक्टर के पास लेके भागे, मतलब ये जो चीजें चल रही थी ना ये शीला के साथ 6 से 7 बार हो चुकी थी। और शीला की जो सास थी इस बार बहुत ज्यादा भड़क गई थी, उन्होंने बोला कि मैं इस कुलच्छनी को अपने घर में नहीं रखूंगी, एक काम कर तू अपने मैके जा, अपने बाप के घर रह। यहाँ पर शीला के सास ने शीला को घर से निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कराएंगे, क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं इसने एक बच्चा तक नहीं दिया है घर में, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा घर का जो दीपक है बुझ जाए, मुझे भाई अपने घर का दीपक जलाना है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तो इधर शीला की जो माँ थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उन्होंने सोचा कि जो मेरी बेटी है इसके शरीर पे क्या कुछ नहीं बीता है। शीला की माँ बहुत ही फूट फूट के रो रही थी और बहुत ज्यादा बद्दुआ दे रही थी, बोले कि ठीक है तुमने मेरी बेटी के साथ ये किया है, तुम्हारे घर में कभी भी वंश नहीं होगा, तुम वंश के लिए ये सब कर रहे हो ना। तो शीला की माँ ने बहुत बद्दुआ दी। इधर शीला रो रही थी, उसने बोली कि माँ ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सास है जैसी भी वो मेरी सास है। शीला मतलब नेचर वाइज अच्छी थी तो उसने इस बात को बोला, लेकिन जो शीला की माँ थी वो तो माँ थी ना, किसी के भी साथ हो तो माँ तो भाई रोएगी, तो सरापेगी, वो तो बद्दुआ देगी ही। इधर शीला अपने मैके में 1-2 महीने से थी और उसकी तबीयत तो सही नहीं रहती थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिसकैरेज होने की वजह से हमेशा बीमारी रहती थी। शीला के जितने भी पड़ोसी थे मतलब मैके में, उन लोगों ने शीला की माँ से बोला कि काम क्यों नहीं करते, अपनी बेटी को किसी तांत्रिक को, ओझा वगैरह को दिखाओ, पंडित को दिखाओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पंडित को बोलो कि कुंडली वगैरह देखे कि मतलब क्या समस्या क्या है, क्यों बच्चा नहीं हो रहा है भाई, कुछ समस्या है क्या, या फिर तांत्रिक को दिखाओ कि इसके शरीर पे तो कुछ नहीं है ना। तो शीला की माँ थोड़ी गाँव से थी तो उन्होंने सोचा कि हाँ डॉक्टर को तो मैंने बहुत दिखाया, इस बार मुझे तांत्रिक को दिखाना चाहिए, पंडित को दिखाना चाहिए, शायद कोई हल निकल के आए। उन्होंने ये चीज सोचा और पता किया कि कहाँ कहाँ तांत्रिक है, कहाँ कहाँ पंडित है, मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का कुंडली लिया और पंडित के पास गई। तो
पंडित ने बोला कि हाँ हाँ होगा, ऐसा है वैसा है, मतलब पंडित ने अपने फीस लिए और इनको शीला की माँ को विदा कर दिया। फिर शीला की माँ शीला को लेके एक तांत्रिक के पास पहुंची जो कि बहुत ही अच्छा जानकारी रखता था, जानकार था। तो उसने बताया कि शीला के शरीर पे एक पिशाच है। तो जैसे ही शीला सुनी और शीला की जो मतलब माँ थी उन्होंने सुना, तो उन लोग के ना बोलते ना कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शीला की माँ एकदम अजीब रिएक्ट करने लगी, लगी रोने, छाती पीटने लगी कि मेरी इकलौती बेटी, इसके साथ ये चीज़ होना था, आप बाबा कुछ भी कीजिए, आप मेरे बेटी के शरीर से इसको हटाइए, पिशाच क्यों है। और इधर शीला ने सुना, शीला होश में थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये तांत्रिक बोल क्या रहा है। उसने बोला कि वो आपके अंदर है बेटा, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो आपके अंदर है, वो नहीं चाहता कि मतलब आप बच्चा करो। शीला की माँ ने पूछा कि आखिर क्यों, क्यों नहीं चाहता वो, मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है। तो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है आप धैर्य रखो, मैं देखता हूँ। फिर तांत्रिक ने चक्र बनाया, उसमें शीला को बैठाया, मोर का पंख लिया और उससे पूरा झाड़ा। जैसे ही झाड़ना चालू किया, शीला के अंदर से दूसरी आवाज आना चालू हो गई। मतलब आप सोच सकते हो, शीला जो नॉर्मल लड़की थी वो लड़कों के आवाज में बोलने लगी, और मतलब उसका जो हुलिया था ना लड़की का ही था, लेकिन एकदम उसके रहन सहन सब कुछ बदलाव आ गया था। और वो ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रही थी जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि शीला बोलेगी। और शीला नहीं बोल रही थी, शीला की मतलब बॉडी था लेकिन आवाज ना उस पिशाच का निकल रहा था। तांत्रिक ने बहुत सारे सवाल पूछे पिशाच से कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो इसके अंदर, क्या चाहते हो। पिशाच ने बोला कि नहीं भाई, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता हूँ, ये लड़की मुझे भाग गई है। और ये लड़की ऐसे कंडीशन में बाहर निकली, ऐसे कंडीशन में इसने हिम्मत दिखाया कि वैसे कंडीशन में कोई अकेले नहीं निकलता। इसने क्या मुझे चैलेंज किया, मतलब जब पिशाच ने बोला ना तो तांत्रिक जो था ना उसने सुना ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, तांत्रिक के रोंगटे खड़े हुए, सोचो आप। तो उसने बोला कि नहीं भाई, तुमको क्यों ये बोलेगी लड़की, तो बहुत सीधी साधी दिख रही है, ये तुमको क्यों चैलेंज करेगी। पिशाच ने बताया कि ये 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब पहली प्रेगनेंसी की बात चल रही है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग नोटिस करो। तब ये क्या की कि बाथरूम के लिए बाहर निकल गई आधी रात में, और मैं वहीं से गुजर रहा था, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी और मुझे ये लड़की भाग गई। तो तांत्रिक ने बोला कि तुमको ये लड़की भाग गई, तुमने इसके बच्चे को क्यों मारा। तो उसने बोला कि मुझे प्यास लगी थी, मुझे भाई ब्लड चाहिए था, मैंने मार लिया, मैंने उसको चपेट दे दिया। चपेट मतलब होता है कि मैंने उसको मार के उसका खून पी लिया। तो जो तांत्रिक था बहुत ही गुस्से में, उसने बोला कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, चलो ठीक है आपने एक बच्चे को मारा, फिर भी आप इनके शरीर पे क्यों रहे। तो उसने बोला कि मुझे अच्छा लगा भाई, मैं वेट कर रहा था कि दोबारा कब प्रेग्नेंट हो। तो शीला जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई, इसने 2 महीने के बच्चे को फिर मार दिया। फिर शीला तिबारा प्रेग्नेंट हुई, इसने फिर तिबारा मार दिया। तो जो पिशाच था ना उसके मुंह खून लग गया था। तांत्रिक ने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है आपने 6-7 बच्चे मार दिए हैं। उसने बोला कि हाँ आगे ये प्रेग्नेंट होगी मैं फिर मार दूंगा। तो जो तांत्रिक था उसने बोला पिशाच को कि देखो तुमने बहुत गलत किया है, इसलिए तुमको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए तुम बताओ, तुमने इसके 6-7 बच्चे मारे, तुम्हारे मुंह खून लग गया है, इसका मतलब क्या तुम इस लड़की को छोड़ोगे नहीं, इसको भी मार के जाओगे। तो हंसने लगा, उसने बोला कि इसके शरीर में है ही क्या जो मैं इसको मारूंगा, ऑलरेडी तो मैंने सारी चीजें चूस ली है। और जो लड़की थी ना बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी, वो इसी कारण रहती थी कि जो पिशाच था ना उसके शरीर में हमेशा रहता था, लड़की का जो खून बनता था मतलब शीला का वो पी लेता था, जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसके बच्चे को खा जाता था वो। तो मतलब ऐसे करके पिशाच ने शीला को जकड़ के रखा था। तो तांत्रिक ने बोला कि भाई तुमने जो किया सो किया, अब इसको छोड़ दो, तुम दूसरे स्थान पे जाओ, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है। तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोला कि ना मैं जाऊंगा तो इस लड़की को मार के जाऊंगा, और मैं तो जाऊंगा नहीं। मतलब तांत्रिक में और उसमें इतनी बहस चल रही थी, और जो शीला की माँ थी ना वो सुन के ना एकदम सुन पड़ जा रही थी, मतलब बार बार बेहोश हो रही थी, बार बार दांत लग रहा था। जब वो होश में आ रही थी, इन दोनों की बहस सुन रही थी, वो फिर बेहोश हो जा रही थी। फिर तांत्रिक ने उस पिशाच को बांधा। तो यहाँ पर जो पिशाच था वो अकेले तांत्रिक के बस का नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, पिशाच होते ही है, पिशाच भूत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो जो तांत्रिक था उसने पिशाच को बांधा और उसने चैलेंज किया कि तुम्हारे अंदर दम है पिशाच, तुम यही रहोगे।
और मैं तुमको निपटता हूँ, तुमको देखता हूँ। और इधर तांत्रिक ने अपने दोस्तों को फोन किया और भी सारे तांत्रिक को बुलाया। फिर क्या हुआ कि जो पिशाच था ना शीला के बॉडी में था और शीला वहीं पे बैठी रही। जितने भी तांत्रिक आए थे सारे लोगों ने मिल के उस पिशाच को पकड़ा और उन लोगों ने बोला पिशाच को कि तुमने जो कर लिया वो कर लिया, हम तो उस समय नहीं थे वरना इतना हम होने नहीं देते, लेकिन अब तुम हमारे बस में रहोगे, हम तुमको कभी आजाद करेंगे ही नहीं, वरना तुम्हारे मुंह लगा है तुम फिर दोबारा अटैक करोगे, तिबारा अटैक करोगे, जब तक तुम हो मतलब प्रेत वाली योनि में तब तक तुम हमारे यहाँ ही बंधे रहोगे और तुमको हम लोग तड़पाएंगे। तुमने कैसे उस बच्ची को तड़पाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। जैसे ही पिशाच शीला के बॉडी से बाहर निकला, शीला का बॉडी वहीं गिर गया, बेहोश हो गई और उसके बाद से सारे लोग उसको लेके भागे हॉस्पिटल। शीला की माँ का इलाज हुआ, शीला का इलाज हुआ, शीला दो तीन दिन बाद होश में आई। फिर शीला की माँ ने सारी बातें बताई, शीला बहुत ही फूट फूट के रोने लगी, अपने पति को फोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा चीज है। यहाँ पर शीला का जो पति था थोड़ा सा पिघल गया, बट सास नहीं पिघली, सास बोल रही थी कि ना उपलक्षणी उसको मैं अपने घर नहीं ला सकती, अपने घर लाऊंगी तो फिर यही सारा चीज होगा, मैं उसको अपने घर नहीं रखूंगी, तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी ऐसे वैसे। यहाँ पर शीला के पति ने बोला कि माँ उसकी क्या गलती है, जाने तो ये सब तो एक पिशाच की वजह से हो रहा था। तो उसने बोला कि ना वो दोबारा आएगी, पिशाच दोबारा आएगा ऐसा वैसा। दोस्तों यहाँ पर शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, मायके में रह नहीं सकती क्योंकि भैया भाभी भी उतने अच्छे नहीं, ये इकलौती बेटी थी तो इसकी माँ ने बोला था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, फिर भी इसको थोड़ा इज्जत का भी लोचा था। और यहाँ पर पति ने रखने से मना कर दिया क्योंकि पति अपने माँ के खिलाफ जा नहीं सकता। एक दिन की बात है, शीला जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आई थी, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, उसने सुसाइड कर लिया। उसके अंदर कुछ था नहीं, शीला के अंदर मतलब कमजोरी तो थी ही, वो बीमार थी, मेंटली भी परेशान थी और बोलते हैं ना शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने रीजन वगैरह कुछ दिया नहीं किसी को कि मैं सुसाइड क्यों कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने अंदाज लगाया है बात यही हो सकता है कि उसको लगा हो कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, ना बच्चे रहे, ना पति रहे, ना मायके वाले रहे, तो मैं क्या करूँगी। तो हो सकता है शीला ने इन सारी चीजों से तंग आके किया होगा। मेरी आंटी बताती हैं कि शीला का जो ससुराल था यहाँ पर शीला की माँ का दिया हुआ बद्दुआ लग गया था, उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, बच्चा कहाँ से होगा, जो शीला का पति था उसकी दूसरी शादी ही नहीं हुई, बुढ़िया मर गई जिसने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया था शीला पे, वो भी मर गई, अभी वो है नहीं, और जो शीला का पति है वो इकलौता बच गया है, गांव में किसी के घर खा लेता है, कोई कुछ 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 दे देता है, लेकिन वो भी अध दिमाग हो गया है, कहो तो हाफ पागल बोल सकते हैं हो गया है। और उधर शीला भी रही नहीं तो उनका जो घर था पूरे सत्यानाश को पहुंच गया। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गलती किसकी थी, मतलब सास को क्या उतना करना चाहिए, क्या बहू पे विश्वास नहीं रखनी चाहिए, या उस पिशाच की गलती थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग के पास ऐसी ही स्टोरी है भूत प्रेत वगैरह की, आप मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। अगली वीडियो आपकी स्टोरी की रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।